जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन लगातार लॉकडाउन लगा रहा है, लेकिन प्रशासन के सख्त रवैये के बाद भी आम लोग गली मोहल्ले व सड़कों पर तफरी कर रहे हैं, जिससे लॉकडाउन का असर नहीं दिख रहा है। उज्जैन संभाग में नीमच पहले नंबर पर आ गया है, आंकड़ा 700 के पार पहुंच चुका है। हर रोज यहां पर 10 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। शुक्रवार को 19 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अभी तक 577 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं, साथ ही 143 एक्टिव केसेस है। इसी के साथ यहां पर अभी तक 11 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के साथ ही पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने पर प्रशासन ने बिना लक्षण वाले मरीजों को 2 दिन इलाज के बाद होम आइसोलेट करने की व्यवस्था लागू की है। घर जाने से पहले मरीज को लिखित में देना होगा कि शासन की शर्तों का पालन करेंगे, शर्तों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ केस दर्ज होगा। शासन और प्रशासन द्वारा समय समय पर जिस तरह से लॉकडाउन का लगाया जा रहा है, पर यहाँ की नीमच की जनता का देखा जा रहा है कि सही तरीके से लॉकडाउन का पालन नहीं किया जा रहा। आज हमारा प्रदेश के अंदर हम 90वें स्थान पर पहुँच चुके हैं और संभाग के अंदर हम पहले स्थान पर। लगभग अभी तक के हमारे यहाँ पर 600 से आंकड़ा पार कर चुका है, लेकिन जनता आज तक अभी तक के इस चीज़ को समझ नहीं पा रही है और लॉकडाउन का सही तरीके से पालन नहीं कर जा रहा। जबकि अभी तक के अधिकांश जगह पर ये देखने में आता है कि मोहल्लों के अंदर अधिकतर लोग बाग घूमते रहते हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा है, मास्क नहीं पहन रहे हैं। अगर इसी तरह से अगर लोग बागों ने पालन नहीं किया है तो आने वाले समय में हमारे को और गंभीर इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे और आने वाले समय में हमारे को और ज़्यादा ये कोरोना हमारे संपर्क में आएगा। इसलिए जनता को जागरूक होना है और शासन और प्रशासन के द्वारा जिस तरह से चेन तोड़ने के लिए प्रयास किया जा रहे हैं और लॉकडाउन लगाया जा रहा है, उसके अंदर हमारे को उसका पालन करना चाहिए और शासन और प्रशासन का सहयोग देना चाहिए। अभी जो लॉकडाउन बीच बीच में ब्रेक हुआ था, मतलब अनलॉक हुआ था पूरा हमारा शहर, उसको लेकर के लोगों में काफ़ी अवेयरनेस, मतलब लापरवाही ज़्यादा हुई है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में एक दूसरे से संपर्क में आना, मार्केट के अंदर जब खरीदारी कर रहे हैं तो मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं और एक दूसरे से संपर्क में आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, चाहे राशन कार्ड की दुकान हो, चाहे किराना की दुकान हो, चाहे हॉस्पिटल में भी हम लोग डिस्टेंस मेंटेन करा रहे हैं, लेकिन अन्य जगह भी, मतलब जहाँ पर लोग भीड़ भाड़ के एरिया में जाने से बचने के अलावा, मतलब उस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा वो कंजेस्टेड मतलब रह रहे हैं, तो उस वजह से भी। और दूसरा कि नीमच में जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, चाहे वो बॉम्बे से हो, दिल्ली से हो, चाहे वो आउट ऑफ कंट्री से हो, तो वहाँ से जो लोग आ रहे हैं उनके भी द्वारा इन्फेक्शन काफ़ी हमारे यहाँ नीमच में अभी बढ़ा है, जिससे कि हमारे नीमच के अंदर काफ़ी 600 से ऊपर केस हो गए हैं और अभी संभाग में हमारा नंबर पहले नंबर पे आ गया है और जो है मध्य प्रदेश के अंदर 9वें नंबर पे है। लेकिन अभी हमारा प्रशासन और हम पूरा अस्पताल प्रशासन और राजस्व प्रशासन भी पूरा इसमें लगा हुआ है कि नीमच से दीपक खदाबे की रिपोर्ट।